हेलो स्टूडेंट्स चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर से हमारा अगला क्वेश्चन है इफ ए बी सी आर डिस्टिंक्ट इंटीजर्स एंड ओमेगा इज नॉट इक्वल टू वन इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन हमें फाइन करना है ठीक है अब आपको ये पता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के तीन रूट्स होते हैं एक होता है वन एक को हम कहते हैं ओमेगा और एक को कहते हैं हम ओमेगा स्क्वायर तो यहाँ कहा है कि ओमेगा को आप वन मत मानो यहां पर जो ओमेगा दे रखा है उसको आप वन मत मानो इसके अलावा बाकी दो आप मान सकते हो वो बाकी दो हमारे पास कौन कौन से होते हैं एक होता है हमारे पास ओमेगा इक्वल टू माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा ओवर टू और ओमेगा स्क्वायर होता है माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा ओवर अच्छा इसके अलावा एक चीज और पता होनी चाहिए अगर मैं ओमेगा का बार निकालू कॉन्जुकेट तो ये होता है हमारे पास माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा ओवर टू इसी तरीके से ओमेगा बार का स्क्वायर मतलब ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुकेट निकालू तो वो होगा हमारे पास माइनस वन माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा ओवर टू जो कि ओमेगा इक्वल है और ओमेगा बार आपका किसके इक्वल है ओमेगा स्क्वायर चीज इसलिए बताए क्योंकि यहां पर एक्सप्रेशन में इस चीज को हम यूज करेंगे अब हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि इसकी हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है इस पूरे एक्सप्रेशन की की तो हम इसकी और इसकी मिनिमम 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 वैल्यू 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 और दोनों एड कर, कर लेते हैं ठीक हो गया और फिर वही हमारा आंसर होगा तो पहले मैं इसको कुछ नाम दे देता हूँ इस वाले के लिए पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ और फिर इसको सॉल्व करूंगा तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो इसको कुछ नाम दे देते हैं अभी के लिए मान लो मैंने इसको नाम दे दिया से तो ये हमारे पास है मॉड ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर स्क्वायरिंग कर लेते हैं तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर करेंगे हम इस टाइप से लिखूंगा ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर का मॉड का स्क्वायर अब आपको पता है कि मॉड जेड का स्क्वायर को हम लिखते हैं जेड जेड बार ऐसे ही इसके लिए भी लिखेंगे हम यहाँ जेड स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर और दूसरा हो जाएगा ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा का बार ठीक हो गया अब इसको सॉल्व करना है तो ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर देखो ए इ्फ एक इंटीजर है तो ए बार का मतलब भी ए ही होता है तो ये ए रहेगा ऐसे ही बी और सी के लिए भी तो फिर यहाँ सिर्फ ये यह बार ओमेगा के लिए लगेगा तो बी ओमेगा बार प्लस सी ओमेगा बार स्क्वायर अब मैं आपको बता चुका हूँ ओमेगा बार जो है वो ओमेगा स्क्वायर के बराबर है और ओमेगा बार स्क्वायर जो है वो ओमेगा के बराबर है तो ये चेंजेस यहाँ पर हमें करने हैं तो ए प्लस बी ओमेगा सी ओमेगा स्क्वायर ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ठीक है अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है तो ए को ए से मल्टीप्लाई करो ए स्क्वायर ए को बी ओमेगा स्क्वायर से करो तो इस टाइप से हम मल्टीप्लाई करते चलते हैं तो ये हो जाएगा ए बी ओमेगा स्क्वायर ए को सी ओमेगा से करो तो ए सी ओमेगा फिर बी ओमेगा को ए से करो तो ये हो जाएगा ए बी ओमेगा बी ओमेगा को बी ओमेगा स्क्वायर से करो तो हो जाएगा बी ओमेगा क्यूब फिर बी ओमेगा को सी ओमेगा से करो तो बी सी ओमेगा स्क्वायर ठीक है प्लस सी ओमेगा स्क्वायर को ए से करो तो ए सी ओमेगा स्क्वायर सी ओमेगा स्क्वायर को बी ओमेगा स्क्वायर से करो तो ये हो जाएगा बी सी ओमेगा फोर यहां प्लस है और सी ओमेगा स्क्वायर को सी ओमेगा के साथ करोगे तो ये हो जाएगा सी ओमेगा क्यूब ठीक है अच्छा ये आपको एक चीज और पहले से पता होगा कि ओमेगा क्यूब आपका वन के इक्वल होता है एक चीज तो ये है तो ये जो क्यूब आ रखे हैं इनकी जगह हम वन रख लेंगे ठीक है यहाँ पर ये यह आपका बी स्क्वायर है ठीक है बी ओमेगा बी ओमेगा स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब तो आपको क्या क्या चीज मिली है ए स्क्वायर मिला है लिख लेता हूँ यहाँ से बी स्क्वायर मिला है लिख लेता हूँ यहाँ पर भी ये सी स्क्वायर होना चाहिए था सी स्क्वायर लिख लिया अब बाकी एक्सप्रेशन को मैं ज़रा ऐड कर लेता हूँ इसके अलावा एक चीज और पता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इन तीनों को अगर हम जोड़ें तो ये किसके इक्वल होता है जीरो के इसको भी अभी यूज करने वाले हैं हम देखो कैसे करेंगे ये है ए बी ओमेगा स्क्वायर और ये है ए बी ओमेगा तो अगर मैं इन दोनों में से ए बी को बाहर निकालूं तो अंदर बचेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा और कहीं कुछ है हाँ बी सी ओमेगा स्क्वायर जो ओमेगा फोर है ना ये जो ओमेगा फोर है आप इसको ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई ओमेगा लिख सकते हैं तो ये किसके इक्वल हो गया वन तो मतलब ओमेगा फोर ओमेगा के बराबर होता है तो ये जो ओमेगा फोर है ये ओमेगा के बराबर हो गया ये हो गया बी सी ओमेगा और ये हो गया बीसी ओमेगा स्क्वायर तो बी सी को कॉमन निकाल लो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो गया यह है ए सी ओमेगा स्क्वायर और यह ए सी ओमेगा इसमें से ए इस सी बाहर निकालोगे तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा अब यहां से ओमेगा प्लस यहां पर ना वन प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जीरो के इक्वल है आप वन को यहां शिफ्ट कर लो तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आपका माइनस वन का इक्वल हो जाएगा जो कि आप यहाँ रखोगे इसकी जगह इसकी जगह इसकी जगह तो एक्सप्रेशन कुछ ऐसा मिलेगा आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको तो हमारे पास ये जेड स्क्वायर की वैल्यू है ठीक है ध्यान रखना ये हमारे पास जेड स्क्वायर की वैल्यू है ठीक अच्छा मैं इसको एक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ जरा देखो वो इंपॉर्टेंट है आपने पहले कभी पढ़ा होगा उसको मैं ऐसा करता हूँ टू से डिवाइड कर लेता हूँ और टू से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इस पूरे एक्सप्रेशन को तो ये हो जाएगा टू ए स्क्वायर टू बी स्क्वायर टू सी स्क्वायर टू ए बी माइनस टू बी सी माइनस टू सी ए ऐसा कर लिया ठीक है अच्छा अब ये जो टू ए स्क्वाई टू तो बाहर था ही हमारे पास है ना ये टू ए स्क्वायर है इसको मैं लिख लेता हूँ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू बी स्क्वायर को लिख लेता हूँ बी स्क् टू सी स्क्वायर को लिख लेता हूँ सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यहाँ पर माइनस है ठीक है माइनस टू ए बी माइनस टू बी सी माइनस टू सी अब ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी लिखते हैं यहाँ पर अब देखते हैं हमारे पास एक्सप्रेशन किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया जरा ये देखो वन बाई टू बाहर था ही तो मैं वन बाई टू लिख लेता हूँ यहाँ पर वन बाई टू और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखने वाला हूँ देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी की जगह हमारे पास हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर दूसरा है बी स्क्स सी का होल स्क्वायर और तीसरा है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू सी ए तो ये हो जाएगा ए माइनस सी का होल स्क्वायर ठीक है CA, तो, square, तो अब ये चीज़ हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गई ठीक है अब क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि ए बी सी थ्री आर डिस्टिंग इंटीजर्स ये क्वेश्चन में कहा है आपसे ये देखें ये लिखा है ना ए बी सी थ्री आर डिस्टिंग इंटीजर्स तो इसका मतलब है कि ये जो ए माइनस बी है ना ए माइनस बी ये ग्रेटर देन इक्वल टू वन होगा है ना ऐसे ही जो बी माइनस सी बी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू वन होगा लेकिन क्योंकि अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस वन है इन दोनों के बीच का डिफरेंस वन है ना तो अगर मैं A इन दोनों को अगर जोड़ दू तो आप देखो आपका आ जाएगा ए माइनस सी इज ग्रेटर इक्वल टू टू तो ए और सी के बीच का डिफरेंस फिर कितना होगा कम से कम टू होगा ठीक हो गया तो ये सारी वैल्यूज को अगर मैं यहाँ पर रखू इनकी मिनिमम वैल्यूज को मैं यहां पर रखू क्योंकि हमें मिनिमम ही निकालना है ना तो जेड स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल टू कितना वन बाई टू तो ऊपर है ही ए माइनस ये कितना हो गया वन का स्क्वायर वन होता है वन का स्क्वायर वन होता है टू का स्क्वायर फोर होता है तो फोर फाइव सिक्स सिक्स को टू से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया थ्री तो मतलब जेड स्क्वायर इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री मतलब जेड आपका ग्रेटर देन इक्वल टू ये कितना हो गया रूट समझ में आया आपको मतलब हमने इतने हिस्से की मिनिमम वैल्यू कितनी निकाल ली रूट तो बच्चों अगर इसके लिए भी सॉल्व करोगे ना इसी तरह तो वो भी रूट थ्री ही आएगा तो रूट थ्री प्लस रूट थ्री क्या हो जाएगा आपका टू रूट थ्री तो ये हमारे पास आंसर है अब आप सोचोगे इसके लिए भी वही आंसर क्यों आएगा आप यहां पर देखो जब हमने ये जो पहले वाला है इसको z मानकर सॉल्व किया तो जेड स्क्वायर करने पर हमारे पास ये एक्सप्रेशन कुछ यूं आया था है ना उसके बाद हमारे पास ये आया तो इसमें देखो ये जो ये वाली टर्म है ये ये यही है है ना और ये जो टर्म है वो ये है तो इसका मतलब जब इसके लिए आप बार लोगे तो ये वाला हिस्सा यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला हिस्सा यहाँ आ जाएगा सॉल्व करोगे तो यही आंसर आएगा ठीक हो गया तो इस तरीके से हमारे पास ये वाला सोल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है अगर आपको सोल्यूशन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू सो मच